कहीं दूर चले जाए हम। वाओ, नाइस। प्रिया, शब्दों को देखो भाई, शब्दों में कितना वो सुकून है। जो पहले बोल रहे थे वो ठीक था। हाँ, हाँ। क्या था पहले वाला, क्या था? शब्दों में कितना फील है। देखो कितना अच्छा है ना, जी ख्वाबों में लेके जाता है सॉन्ग यार, एक दुनिया में लेके जाता है जहाँ सिर्फ दो प्रेमी रहते हैं। कितना अच्छा, एक हसी झील के हैं, एक हसी झील। सुनो ना, I'm explaining एक हसी झील के पानी में, झील के साहिल पे हमारा घर हो, है ना? मतलब सी फेस होना चाहिए, समझ रहे हो? एक हसी लेक साइड, या और चांद जब झील की पानी में नहाने, जब चांदनी रात होगी और चांद की जो परछाइयां जो झील में आती है, और वो चांद भी शर्मा जाते एक उसको बाहों में देख के, शर्मा जाए। सुनो ना, ओस में भीगी हुई घास पे हम चलते रहे सुबह की, समझे? समझ गए? सुबह थोड़ा ऐसा सब नमी कतरे जो पड़े होते हैं घास पे, हाँ, उसको हम शीत बोलते हैं। ओस में भीगी हुई घास पे, मतलब सुबह की धूप, रेड लाइक यू नो, रेड 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 सुबह की धूप, ना ज्यादा नहीं होता ना, उसमें भीगी हुई घास पे हम चलते रहे। सपने की दुनिया से बाहर हम लाइव पे, मैं बोला लोगों को बोला। ठीक है ऐसी बात है, अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा है भाई, वाह माशाल्लाह। विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोगों को आपकी बात समझने के लिए। मैं डायरेक्टर हूँ क्या? नहीं, आप लाइक आपका काम है लोगों को समझाना। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। As a public figure, आपका काम है like visual representation। क्या बोल तो रहा हूँ, तुम लोग और क्या चाहिए भाई? मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना। देखो, मैं explain कर रहा हूँ यार भाई, मैं song की explain कर रहा हूँ। देखो, तुम लोग किसी को प्यार करते हो तो ऐसा एक बार सोच के देखो ना यार, सोच के देखो ना। एक जंगल में पेड़ पौधे, सुनसान जगह, एक झील, एक सुंदर सा वो क्या बोलते हैं, इधर तो खर बोलते हैं, घास के एक छोटा सा कटेज, है ना, चार वर्ग मिट्टी का वो वॉल, कितना अच्छा, टीम लाइट, कैंडल लाइट, है ना? इमेजिन दैट, यू नो, इमेजिन दैट, वो निकलते जंगल का, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। मुझे मेरी लाइफ चल रहा है, मैं पता हूँ, हो गया बहुत लाइफ में। तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ, तुम अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तुम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा अनुभव है गाइस, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा की झोंकी आपके बदन को छू रहे, और एक झील है हसीन, तालाब में मछलियां दौड़ रही, उसको देख के दोनों खुश हो रहे। ये है ना बात, जिंदगी तो ये है यार,
क्या गाने में जिंदगी दिखा दिया है, तुम लोग मरे पड़े हो पैसे के लिए। ए, क्या बताऊं। अरे यहाँ पे मेरी लाइफ पे एक आदमी है, कहते हैं हाँ भाई इसकी आंखें किसी जीव से कम नहीं है, वो तो मुझ पे लाइन मार रहा, क्या करूं। पेन मार रहे भाई, एक वो पेन मिलता है भाई, वो थोड़ा लंबा वाला, वो ऐसे इधर मार लो अपने आप में, ऐसे खुद मार लो तुम बगैर। मैं देखो, लोगों को रात भर जगा के क्या करना चाहती हो तुम? ऐसा गंदी बात क्यों बोल रहे हो? गंदी बात है। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने सोचा थोड़ा बगैरत ना, थोड़ा सन की, थोड़ा पागल है ना दिमाग क्यों से। ऐसी गंदी बातें सीख लेते हैं बताए? तुम बोलती हो तो हम सीखते हैं भाई। एक मैं तो दूसरों को एक उर्दू हाँ, बगैरत बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बोलती हूँ ठीक है। ए, और बोलती हैं। ए, ए, लाइफ में मत बोलो। हाँ बोलती हूँ मैं, उर्दू उर्दू के चक्कर में गालियां सीख रहे हो मुझसे, उर्दू तो उर्दू है, गाली भी उर्दू है। तुम बोलोगी वही बोलोगे। देखो, आप रास्ता दिखाएंगे, हम चलेंगे, एक्चुअली ऐसी मैं है। आपको बता रही थी, इश्क के भी दो मतलब होते हैं, इश्क के मजाजी और इश्क के हकीकी। एक होता है दुनिया का इश्क, एक होता है खुदा का इश्क। जो हकीकी इश्क होता है, असली हकीकत असलियत, जो हकीकी इश्क होता है वो खुदा से। ठीक है समझे? जी जी हम पूछ रहे थे ना कि इसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि इश्क खुदा की मोहब्बत के लिए भी कोई इंसान कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं है सब ये प्यार यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, कोई समझे समझे इश्क के मजाज, इश्क के मजाज, इश्क ओके, यस। लिरिक्स लिखो एक मजाजी हल्के की। मुझे एक हिंदी लिरिक्स लिख के दो, हिंदी उर्दू, एक उर्दू अच्छा सा रोमांटिक लिरिक्स लिख के दो, मैं गाना बनाऊंगा। रोमांटिक मुझे ज़रूरत है अभी। देखो लिरिक्स लिखो और आप बता दे अपना पेमेंट भी। जितना मैंने आपको उर्दू सिखाने के लिए चार्ज किया उतना। नहीं शर्मा मत, मुझे पता है हम दोनों ही गरीब हो रहे हैं, तो खर्चा चलाने के लिए एक्स्ट्रा कम करना पड़ेगा। कृष्णा ना गाइस, लिखो बोर्ड में नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि मुझे मिस कर रहे थे आज। किसने, कौन हाँ लाइफ कौन पे मिस किसने, कौन कर किसने कहा, किसकी रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कान फट गया, कौन बह रहा है, अरे कौन है वो वो? मुझे मिस कर रहा है पे यार, यार मैं क्यों मिस करूंगा भाई, लाइफ पे, वो भी लाइफ पे, ये ऐसी बात नहीं, ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है भाई, सिर्फ लाइफ पे मिस करता है कोई, ये वो गलत बात है भाई। क्या कह रहे हो मतलब तुम लोग? नहीं, मतलब कुछ मत, तुम कुछ मत बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ, गलत मतलब निकालते हो, समझते नहीं यार, डबल टैप करो क्या तुम लोग यार। रुको मैं फिर से चार्ज करता हूँ, 6% में आ गया फिर, आपको फोन क्या रात भर करना बैठना है क्या? क्या करना हम दोनों तो उल्लू की तरह है, रात भर जागते रहते हैं यार, चलो
रात जागते रहते हैं, जागते पता नहीं यार। तंग आपको किसने तंग किया मुझे बताओ। नहीं किया है। तो दुखी गाना क्यों गा रहे थे? तुमने कहा मैंने गाया, अरे मैं ये कभी नहीं नहीं कहूंगा। क्या किसकी इज्जत किसके साथ आपकी अरे इज्जत का? वो फौजिया बोल रहा था दुखी गाना गाओ, तो मैंने दुखी गाना गाया। अभी दुखी गाना खुश होके तो नहीं गा सकते ना, थोड़ा सैड होके। देखो गाना का अपना फीलिंग्स होता है। एक्टर जब रोता है तो क्या उसको कोई याद करके रोता है कैमरा पे? सिंगिंग भी एक्टिंग ही तो है, तुम पता नहीं है। फील कैसे आएगा फिर? ये बहुत ही सिंगर को पता नहीं, सिंगिंग इज लाइक एक्टिंग, यू नो, फील करना पड़ता है। अरे यार हमको ना, हमको प्लेबैक गाने के लिए ना हीरो को समझना पड़ता है, अपने आप को हीरो समझना पड़ता है। हीरो कैसे एक्सप्रेशन देता है, हे, और कैसे बोलता है अपनी हीरोइन को, पास आ गले से। एक्टिंग देखो अपने चेहरे पे एक्टिंग एक्सप्रेशन, बस जब चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन आएगा वॉइस पे एक्सप्रेशन आएगा, वॉइस पे एक्सप्रेशन आएगा। ये गाने की कला सीखो तुम भी। मैं क्यों सीखूं? मुझे नहीं दूं, मेरा क्या वास्ता किसी सिंगर से एक्टर से? हाँ मेरा भी क्या वास्ता किसी डॉक्टर से, मैं तो हेल्दी हूँ। एक्टिंग करो ना, करो एक्टिंग, करो एक्टिंग, एक्टिंग ही करना अभी। क्या यार बीच में ये भूल देती, मैं कुछ बोल रहा था, मैं सब भूल गया भाई। एक्टिंग एक्टिंग करो, एक्टिंग करो सुरेश लामा, किसी और के साथ करो एक्टिंग, मेरे साथ मत करो। मोड़ कोई छे ना, सब सो गए भाई, क्यों क्या है, क्या है, मोड़ की क्या जरूरत है भाई? बैड कमेंट आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं। आप लोग हमें देखते रहो, नीचे क्यों देखते हो भाई, हमें देखो भाई। इतना यार इतनी प्यारी लड़की बैठी है उधर, बहन की नजर से उसको देखो। क्या यार तुम लोग बैड कमेंट में क्यों जाते हो? अच्छा अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ क्यों देखते हो? अब मैंने किसी एक्टर से शादी करनी है सच्ची, गाइस मेरे लिए कोई एक्टर ढूंढो यार। ना एक्टर वो फिर शादी करने की एक्टिंग करके भाग जाए। ऐसा होता है एक्टर लोग, भरोसा मत करो उसकी। एक्टर यार सिंगर भी निकाल देते। सिंगर भी तो एक्टर ही होते हैं, खुद बोला। अरे एक्टर मतलब वॉइस में एक्सप्रेशन लेने के लिए एक्टिंग करना पड़ता है थोड़ा बहुत। कैसे तो ऐसे करें, जैसे पहला नशा पहला खुमार, फील आया कुछ आया? पहला नशा पहला खुमार, ये देखो ये फील नया प्या, मामा मेरे साथ ऐसे ही गाया करो ये खुल गया, ये जैसे होता है पहला नशा। गाना तो ये भी नोट सेम टू सेम, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, नोट सेम। अब इसको दिखाओ, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, और तो तू इमेजिन ही करो बता। देखो सास बता बता को बता बोल रहे हैं, कौन एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। ठीक है, अपनी एक्टिंग बंद करो, मेरे साथ नॉर्मल गाया करो जैसे गाते हो। एक्टिंग मत किया करो, बहुत बुरे लगते कोई एक्टिंग नहीं किया, जो गाता दिल से गाते हैं। क्या दिल से गाते हो? मेरे साथ एक्टिंग बंद करो, जो गाते हैं दिल से गाते हैं। मतलब एलिया फॉर इंफॉर्मेशन आई एम सिंगिंग लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, या यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द हार्ट एंड समथिंग लाइक दैट ऑन द ट्रिपल में कीबोर्ड। प्ले करो। यार मेरा फिर हो गया यार, फिर मेरा चार्ज, ये लड़की बहुत चार्ज करवाती है।